यहाँ हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये था कि यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे का काम चल रहा है और ये तीन गांव उसकी जद में आ चुके हैं, यहाँ पे टनलिंग का काम चल रहा है और 12-16 फेज चल रहे हैं यहाँ पे। जो लोकल सोर्सेज थे वो भी खत्म हो गए, जो पीएचई की तरफ से हमें पानी जारी किया गया था वो भी खत्म हो गया था। लोग पानी के बगैर तड़फ रहे हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह जगह पे गए हम, तहसीलदार साहब से लेकर एसडीएम तक, एसडीएम से लेकर डीसी साहब तक, एसएसपी साहब भी यहाँ मौके पर आई थी, उनको भी हालात बताए थे कि यहाँ के ये हालात है, ये पोजीशन है, ज़मीनें भी वरान हो चुकी हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। देर नगरी है, कोई नहीं सुनता है। मैं यही कहना चाहता हूँ किसी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अगर आपको अल्लाह ताला ने ये तराजू दिया है तो इंसाफ करिए, इंसाफ करिए, इंसाफ के बगैर और कोई चारा नहीं है। वरना हम अब रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं, ये तमाम लोग यहाँ के रोड पे उतर जाएंगे। एरिया का, इस इलाके का एक ही ये शान थी जहाँ यहाँ धान के खेत थे, हर कोई बोलता था कि इंदौर छछुआ की जमीन बड़ी बड़ी खूबसूरत जमीन है और यहाँ पर शाली होती है, लेकिन आज हम, हमारी पहचान खत्म हो चुकी है, हमारी पहचान खत्म कर दी गई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पहचान को खत्म मत करो और दोबारा बहाल करो, वरना हम रोड पर उतर जाएंगे।